नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम आए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में और फ्रेंड्स इस ब्लॉग को थोड़ा स्पेशल ब्लॉग भी हम कह सकते हैं क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको आगरा मेट्रो से जुड़ी हर एक जानकारी बताऊंगा और फ्रेंड्स ये भी बताऊंगा कि कितनी स्टेशंस हैं, कितना लंबा रूट है और फ्रेंड्स सारी जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फ्रेंड्स कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है किस कंपनी के अंतर्गत हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है ये साइम इंडिया देख रही है। तो ये पूरा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम है, इस कंपनी का नाम है साइम इंडिया, इसके तहत ये बन रहा है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है कितना लंबा है। तो ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है ये 14 किलोमीटर लंबा। तो फ्रेंड्स अभी देख रहे होंगे आप, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ स्टेशन बाकी रह गए हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुल कितनी स्टेशन आगरा मेट्रो की अंडरग्राउंड रहेंगी। तो कुल 3 स्टेशन आगरा मेट्रो की अंडरग्राउंड रहेंगी जिसका अभी किसी भी कंपनी को टेंडर नहीं दिया गया है। जैसे ही उनको कंपनी को टेंडर दिया जाता है तैसे ही खुदाई का काम चालू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्टेशन और कहाँ से स्टार्ट होगा मेट्रो लाइन। तो फ्रेंड्स ये जो मेट्रो स्टेशन, सबसे पहला मेट्रो स्टेशन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा सिकंदरा, और दूसरा रहेगा गुरु का ताल, तीसरा रहेगा आईएसबीटी होते हुए सीधा अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आरवीएस कॉलेज, राजा की मंडी, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, हिंग की मंडी, जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट, ताजमहल, बारसी, और ये होते हुए सीधा लास्ट स्टेशन आपका रहेगा ताज ईस्ट गेट। तो फ्रेंड्स इसमें कुल 14 रेलवे स्टेशंस हैं, 14 रेलवे स्टेशंस आपको इस मेट्रो प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स इसमें आपकी क्या राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आगरा वालों को एक निजात ज़रूर मिलेगी, वो है ट्रैफिक की। आगरा में आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, हर चौराहे पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको अब पता ही चल गया होगा कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट। बात कर लेते कब तक ये बनके तैयार हो जाएगा, आगरा वालों को कब से मेट्रो की सुविधा मिलने लगेगी। तो आगरा वालों को मेट्रो की सुविधा मिलने लगेगी 2025 से। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 2025 में ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है ERSachinMBI। मैं आपके लिए ऐसे ही आगरा शहर के ब्लॉग लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स आपने और भी ब्लॉग नहीं देखे मेरे आगरा शहर के तो मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं, मैंने मोस्टली हर जगह के आगरा में हर जगह के ही ब्लॉग डाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी पोल बन के तैयार हुए हैं, तो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ नहीं है और हो रहा है, जो भी रह गया मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। वैसे दोस्तों आगरा वालों को एक फ़ायदा तो हो ही जाएगा, वो है टाइम की बचत। मेट्रो के आने से आगरा में टाइम की बचत हो जाएगी, और दूसरा ट्रैफिक की समस्या। आगरा में ट्रैफिक की समस्या तो सबसे ज़्यादा ही होती है, जो 14 की 14 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं यहाँ तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। अब कोई भी स्टेशन ले लीजिए, आप सिकंदरा ले लीजिए, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आगरा में मेट्रो के आने से ट्रैफिक की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स आगरा शहर के और भी मोटो ब्लॉग देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने मोस्टली आगरा के हर जगह के ही मोटो ब्लॉग डाले हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सीधा चलेंगे आगे देखेंगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सामने स्टेशंस बन रहे हैं मेट्रो के, तो ये देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स आगरा में मेट्रो का होना बहुत ज़रूरी था, ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आगरा में पहले कभी आते थे तो ऑटो वाले बहुत ज़्यादा रुपए ले लेते थे, तो इसलिए आगरा में मेट्रो का आना बहुत ज़रूरी था। और फ्रेंड्स जो भी स्टेशंस मेट्रो में बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं, क्योंकि इसलिए बनाए गए हैं जितने भी स्टेशंस हैं। ताजमहल घूम सकते हैं, ताजमहल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, आगरा फोर्ट देखने को मिलेगा, सिकंदरा देखने को मिलेगा, ये सब घूमने वाली जगह हैं। तो फ्रेंड्स आप मेट्रो से एक ही बार में सब घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हुए और आगे देखेंगे आगे और कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो ये सीधा चलते हुए, वैसे आगरा में मेट्रो आने से मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आपकी क्या राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आप कहाँ से हैं या आप आगरा में कभी आए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं आगरा में कहाँ पर आए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और फ्रेंड्स मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।